सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल लेटेस्ट भीज को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेटेस्ट भीज। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स रिलेटेड क्विज क्वेश्चन नंबर वन के साथ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ए मिनी रत्न CPSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड वर्क ऑफ टर्निंग हाउ मेनी स्टेशन इंटू फ्री वाईफाई जोन्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो कि है 1000। ठीक है फ्रेंड्स, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है फ्रेंड्स, कितने स्टेशन में, कितने रेलवे स्टेशन को फ्री वाईफाई जोन में तब्दील कर दी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है 1000। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1000 रेलवे स्टेशन को फ्री वाईफाई जोन में तब्दील कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ए MSME नेटवर्किंग पोर्टल रिसेंटली। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो कि है तेलंगाना। ठीक है फ्रेंड्स, तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी अभी एक तो MSME नेटवर्किंग पोर्टल अभी अभी लॉन्च किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच स्टेट चीफ इलेक्टर ऑफिसर लॉन्च द इनाजोरी इनिशिएटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो कि है असम। ठीक है फ्रेंड्स, असम के चीफ इलेक्टर ऑफिसर ने क्या किया, वो लॉन्च किए हैं द इनाजोरी इनिशिएटिव। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। व्हिच स्टेट्स तसिंगन विलेज इज नाउ द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स ये जो तसिंगन विलेज है ये कौन से स्टेट का है जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशन से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए जो कि है हिमाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, ये तसिगंग विलेज है हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके पास क्या है, हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशन है इस गांव में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो कि है वाई बी रेड्डी। ठीक है फ्रेंड, वाई बी रेड्डी है ये बुक के ऑथर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओपन सिग्नल व्हिच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ 50 सिटीज इन इंडिया इन टर्म ऑफ 4G अवेलेबिलिटी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो कि है धनबाद। ठीक है फ्रेंड्स, धनबाद वो 50 सिटी में से एक सिटी है जिसने कि टॉप करी है इन टर्म्स ऑफ 4G अवेलेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हो जाता है कि इंडिया में, धनबाद में ही दुनिया का, मतलब सॉरी, इंडिया का सबसे ज़्यादा 4G नेटवर्क अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेवन। व्हिच कंपनी एक्वायर्ड मुंबई बेस्ड हैप्टिक वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्लेटफॉर्म फॉर ओवर 200 करोड़। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो कि है रिलायंस जियो। ठीक है फ्रेंड्स, रिलायंस जियो ने हैप्टिक वन को खरीद लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हैप्टिक क्या है, ये गूगल असिस्टेंट जैसे ही काम करता है लेकिन उससे बेहतर काम करता है। यहाँ आप अगर आप टेक्स्ट करके बोलेंगे कि मेरे लिए एक तो टिकट बुक कर, तो ऑटोमेटिकली वो सबसे सुइटेबल आपको आंसर देता है, सुइटेबल वेबसाइट में लेकर आपको वहाँ से रिलेट करवाता है। और ये कंपनी को अभी रिलायंस जियो ने खरीद लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका रेट कितना था, अबाउट 200 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर एट। हु वाज अवार्डेड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एजुकेशन एंड मेडिसिन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो कि है राजेंद्र कुमार जोशी। ठीक है फ्रेंड्स, राजेंद्र कुमार जोशी जी को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है। और वो कौन से फील्ड पे कंट्रीब्यूशन किए थे ताकि मिला, तो वो होता है फ्रेंड्स कि वो साइंस एजुकेशन एंड मेडिसिन के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मुंबई बेस्ड कंपनी लिंकस इंफ्राटेक हैज लॉन्च ए हाइपर लोकल कनेक्टिविटी ऐप कॉल्ड बोंगा इन व्हिच सिटी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो कि है मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिंकस इंफ्राटेक कंपनी ने
अभी अभी एक ठो एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम बोंगा, और वो कहाँ मतलब कौन से सिटी में लॉन्च हुआ है, तो वो हो जाता है फ्रेंड्स मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन व्हिच सिटी ए न्यू सेंटर टू रिपेयर रशियन हेलीकॉप्टर ऑफ Mi-17V5 विल बी ऑपरेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाता है सी, जो कि है चंडीगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चंडीगढ़ में रिपेयर सेंटर खुलने वाला है, किसका, वो है रशियन हेलीकॉप्टर ऑफ Mi-17V5 का। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तक क्लियर होता होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच कंपनी हैज क्लेम टू डेवलप इट्स लार्जेस्ट पावर स्टोरेज सिस्टम इन एशिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि है टेस्ला। टेस्ला ने ये क्लेम किया है ताकि वो एक डेवलप करेगा लार्जेस्ट पावर स्टोरेज सिस्टम इन एशिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच कंपनी टू बाय 75% इक्विटी स्टेक इन स्टार्टर NVA सब्सिडरी ऑफ द डच बेस्ड ABN अमरो बैंक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है इन्फोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, इन्फोसिस ने 75% का स्टॉक खरीदने का बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली व्हिच कॉप इज टू बी रिप्लेस्ड बाय ATP, दैट्स मीन एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल कॉप्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है होपमैन कॉप। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब से होपमैन कॉप को ATP के नाम से जाना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हु हैज डेवलप्ड ए स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर फॉर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है DD गोयल। ठीक है फ्रेंड्स, DD गोयल को एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के हिसाब से अपॉइंट किया गया है, और वो कौन से स्टेट के, कौन से दो स्टेट को ऑब्जर्व करेंगे, तो वो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश और ये नागालैंड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज स्पेशल सेंट्रल पुलिस ऑब्जर्वर फॉर त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है MK दास। ठीक है फ्रेंड्स, MK दास को सेंट्रल पुलिस ऑब्जर्वर के हिसाब के अपॉइंट किया गया है फॉर द स्टेट त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अभी जो KK शर्मा है नीचे ऑप्शन नंबर डी में, इन्हें भी सेंट्रल पुलिस ऑब्जर्वर रखा गया है, और इसे वेस्ट बंगाल, ठीक है फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल और एक स्टेट है सर झारखंड। ठीक है फ्रेंड्स, झारखंड और वेस्ट बंगाल के सेंट्रल पुलिस ऑब्जर्वर के हिसाब से अपॉइंट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एज पर न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019, ड्रग्स मैन्युफैक्चरर इन इंडिया विल बी गेट अप्रूवल इन डेक्सट्रीज। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 30 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, 30 डेज में उन लोगों को अप्रूवल मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू 2018 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स, इंडियाज पुवर्टी रेट हैज बीन रिड्यूस टू डेक्स परसेंट फ्रॉम 55%। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है 28%। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जो इंडिया का पुवर्टी इंडेक्स है, ठीक है फ्रेंड्स, पुवर्टी में पहले 55% था, और वो डिक्रीज होकर अभी आ गया है फ्रेंड्स 28%। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ दीज फिक्सर्स वन द वर्ल्ड्स बेस्ट एविएशन हब एवर कंटिन्यूअसली 7th टाइम इन स्किरटैक्स ग्लोबल एयरपोर्ट अवार्ड 2019। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को इस बार वर्ल्ड के बेस्ट एविएशन हब अवार्ड मिला है, और इसे कितने टाइम मिला, इसे लगातार 7th टाइम मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अवार्ड का नाम क्या है, स्काईट्रैक्स ग्लोबल एयरपोर्ट अवार्ड 2019। हाँ तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द इंडियन नोबेल प्राइज लिटरर हु वाज कन्फर्म्ड विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज बोडली अवार्ड रिसेंटली। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है अमृत्य सेन। ठीक है फ्रेंड्स, अमृत्य सेन जी को अभी अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोडली अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हु वाज ऑनर्ड विद द
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभय ठाकुर वाज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू व्हिच कंट्री रिसेंटली। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 जो कि है रिपब्लिक ऑफ बेनिन। ठीक है फ्रेंड्स, रिपब्लिक ऑफ बेनिन के एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, अपॉइंट हुए हैं कौन, अभय ठाकुर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड विवेक गुप्ता एज द डायरेक्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड लॉजिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 जो कि है सेल। ठीक है फ्रेंड्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी अभी विवेक गुप्ता जी को एज द डायरेक्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड लॉजिस्टिक के पोस्ट के लिए उन्हें क्या किए हैं, अपॉइंट किए गए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पॉलिसी एक्स डॉट कॉम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है वीरेंद्र सहवाग। ठीक है फ्रेंड्स, वीरेंद्र सहवाग को अभी अभी पॉलिसी एक्स डॉट कॉम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द टेलीस्कोप दैट डिस्कवर टू प्लैनेट्स K2 293b एंड K2 294b यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 जो कि है केपलर स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है फ्रेंड्स, केपलर स्पेस टेलीस्कोप है वो टेलीस्कोप जिसने अभी अभी दो ठो प्लैनेट को डिस्कवर किया है जिसका नाम है K2 293b और K2 294। हाँ तो फ्रेंड्स आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इसराइल कैब एक्सप्लोरर्स डिस्कवर द न्यू वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सॉल्ट कैब नेम्ड मलम नियर व्हिच सी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 जो कि है डेड सी। ठीक है फ्रेंड्स, इसराइल के कैब एक्सप्लोरर ने अभी अभी डिस्कवर किया है दुनिया का सबसे बड़ी नमकीनी गुफा जिसका नाम है मलम। तो वो कौन से नदी के किनारे है, कौन से नदी के पास है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 जो कि है डेड सी। ठीक है फ्रेंड्स, डेड सी के पास है ये मलहम सॉल्ट कैप। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बाय बाय, गुड नाइट।